नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के दबंग खान यानी कि सलमान खान के बारे में। देखा जाए दोस्तों, इनसे जुड़ी बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ चुकी है। बताया जा रहा है कि सलमान खान खुद चल करके संजय लीला भंसाली के पास गए हैं इंशाअल्लाह मूवी के लिए। देखा जाए तो इस मूवी की जो कहानी है वो पहले से ही लिखी जा चुकी है, क्योंकि इस मूवी की अनाउंसमेंट काफ़ी पहले हो चुकी थी सन 2019 में, और इसकी अनाउंसमेंट खुद सलमान खान ने करी थी। लेकिन फिर बाद में सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव हो गए, जिसके चलते सलमान खान ने इस मूवी को छोड़ दिया, और इसके बाद तब से ये मूवी नहीं बनी और संजय लीला भंसाली ने इस मूवी को बनाया भी नहीं, क्योंकि इस मूवी की जो कहानी थी वो संजय लीला भंसाली ने सलमान खान को देख करके ही लिखी थी, और देखा जाए तब से ये मूवी की कहानी ऐसे ही पड़ी है। और वैसे अगर हम संजय लीला भंसाली की बात करें तो संजय लीला भंसाली बॉलीवुड के बहुत बड़े डायरेक्टर माने जाते हैं, और ये जो भी मूवी बनाते हैं वो ब्लॉकबस्टर हिट साबित होती है। और यकीन मानिए, इन दोनों की बात बनती है तो सलमान खान के कैरियर में एक और बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जुड़ने वाली है। फिलहाल संजय लीला भंसाली काफ़ी व्यस्त हैं, क्योंकि वे बेजू बावरा मूवी में समय व्यस्त हैं जो कि वो रणवीर सिंह के साथ बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद उनकी एक बहुत बड़ी वेब सीरीज आनी है जिसका नाम है हीरा मंडी। और अगर दोस्तों सलमान खान संजय लीला भंसाली की बात बन जाती है और इस मूवी की शूटिंग चालू हो जाती है तो यकीन मानिए सलमान खान के कैरियर में ये मूवी बहुत बड़ी हिट साबित हो सकती है। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है, क्या ये मूवी बननी चाहिए कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और सलमान खान से जुड़ी या उनकी मूवी से जुड़ी कोई भी बड़ी अपडेट निकल करके सामने आती है तो हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय।